Next topic of the chapter number 9 money is conversion of money. So, we will convert here rupees into pesa. After that, we will convert pesa into rupees. So, you know, there is only two units for the money. We will use rupees and pesa. So, the first question is convert 153 rupees 50 pesa into pesa. Student, I told you that. Student, I told you we separate rupees and pesa by this dot. The first part before the dot is in rupees and the second part after the dot is in pesa. So, here is 153 rupees and 50 pesa. बट यहां पे हमें एक कंप्लीट अमाउंट को पैसे में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट इतने रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है सो फर्स्टली यू नो रुपीज वन इज इक्वल टू हंड्रेड पैसा रुपीज वी विल ऑलवेज राइट बिफोर द नंबर एंड पैसे वी विल ऑलवेज राइट आफ्टर द नंबर सो रुपीस वन इज इक्वल टू हंड्रेड पैसा यू you नो know, बट वी नीड टू कैलकुलेट दिस अमाउंट इन टू पैसा सो रुपीज वन हंड्रेड फिफ्टी थ्री फिफ्टी पैसे इज इक्वल टू वन हंड्रेड फिफ्टी थ्री फिफ्टी मल्टीप्लाई हंड्रेड स्टूडेंट यू नो वन रुपीज हंड्रेड पैसे के इक्वल होते हैं तो वन हंड्रेड फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव जीरो रुपीज जो है वो इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे उस उतने पैसे के इक्वल होगा क्योंकि जब भी हमें वन क्वांटिटी किसी भी वन चीज की वैल्यू गिवन और उससे ज्यादा के लिए पूछ लिया जाए तो हम मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन निकालते हैं नाउ इफ यू विल मल्टीप्लाई बाय दिस हंड्रेड जब भी हम जीरो वाले नंबर से किसी गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जीरो एक्सटेंड होते हैं ना स्टूडेंट सो so, जब हम इस नंबर को इस हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके दो जीरो एक्सटेंड हो जाएंगे बट द डेसिमल बिफोर द टू डिजिट तो यहां से भी हम डेसीमल टू डिजिट से पहले लगाएंगे सो द टोटल आंसर इज वन थाउजेंड थर्टी फाइव थ्री हंड्रेड फिफ्टी पैसा फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी पैसा तो आप डायरेक्टली कर लीजिए जो भी डेसीमल होता है उसको आप आफ्टर टू डिजिट शिफ्ट कर दीजिए न कन्वर्ट डायरेक्टली बिकॉज पैसे में हमारे पास हंड्रेड रुपीज होते हंड्रेड रुपीज में हमारे पास टू जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डेसिमल जो है वो आफ्टर टू डिजिट शिफ्ट हो जाता है जब आप इस नंबर को या मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको यही अमाउंट मिलेगा टोटल बट डेमल भी था ना हमारे पास टू डिजिट से पहले तो so, यहां पे भी हम टू डिजिट से पहले डेसिमल पुट करेंगे आफ्टर द होल सॉल्यूशन। सो फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी पैसे इज द कन्वर्जन ऑफ दिस अमाउंट नाउ वी विल कन्वर्ट पैसा इनटू रुपीस। सी द क्वेश्चन नेक्स्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट वन हंड्रेड फोर्टी फाइव पैसे इनटू रुपीस। सो स्टूडेंट यू नो रुपीस वन इज इक्वल टू हंड्रेड पैसे एंड वन पैसे इज इक्वल टू वन बाई हंड्रेड रुपीज ओके स्टूडेंट वन रुपी में हंड्रेड पैसे होते हैं और वन पैसे में वन बाई हंड्रेड रुपीज होते नाउ हमारे पास वन पैसे के प्लेस पे है वन हंड्रेड फोर्टी फाइव पैसे इफ वन पैसा इज इक्वल टू वन बाई हंड्रेड रुपीज वन हंड्रेड फोर्टी फाइव पैसा विल बी इक्वल टू वन हंड्रेड फोर्टी फाइव बाई हंड्रेड रुपीज ओके स्टूडेंट वन पैसे में अगर वन बाय हंड्रेड रुपीज है तो वन हंड्रेड फोर्टी फाइव पैसे में भी वन हंड्रेड फोर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज होगा नाउ जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा रुपीज वन पॉइंट फोर फाइव वन फोर्टी फाइव पैसे क्योंकि कंप्लीटली प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर रुपीज में कन्वर्ट नहीं होगा जब आप इसको डिवाइड करोगे बट यू कैन डू इजीली लाइक डिवाइड में अगर आपके पास हंड्रेड है हंड्रेड मीन्स टू जीरो तो आप पीछे से टू डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए डायरेक्ट जब भी आपको किसी रूपी को किसी पैसे वाले अमाउंट को रूपी में कन्वर्ट करना हो तो आप पीछे से टू डिजिट के बाद डायरेक्ट डेसिमल पुट कर दीजिए वो सॉल्यूशन आ जाएगा आपका लाइक आई एम गिवन थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी एट पैसा और इसको आपको रूपी में कन्वर्ट करना है तो आपको सिर्फ पीछे से टू डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना होगा वो आपका रूपी में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज डेसिमल के बाद टू डिजिट ही पैसे को सोल्व करती है थर्टी तो फाइव रुपीज और थर्टी एट पैसे हो जाएंगे इसमें से मैंने पैसे सेपरेट निकाल दिए बाकी बचे हमारे रुपीज होंगे सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ द मनी टू थिंग्स आर हेयर स्टूडेंट अगर आपको रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड और अगर पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई में हंड्रेड में आप डेसिमल को टू डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे और डिवाइड के केस में आप डेसिमल को टू डिजिट पीछे से शिफ्ट कर देंगे सो वी विल कम सून विद द नेक्स्ट वीडियो टिल देन थैंक यू हैव अ नाइस डे